श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को अपना अयन बनाया, इसलिए परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम पड़ गया उत्तरायण। हमारे जीवन का भी दक्षिणायन है और हमारे जीवन का भी उत्तरायण है, यानी भगवान को जब हम भूलते हैं, उनसे विमुख होते हैं, वही हमारा दक्षिणायन है। और जब भगवान को स्मरण करते हैं, उनके उन चरणारविंद का अनुगमन करते हैं, तो वही है उत्तरायण। तो यही एक क्रांति कि अब जो हो गया लेट इट गो, उसको जाने दो। आप देख रहे हैं TTI न्यूज और खबर वृंदावन से है। केशव धाम समीप भागवत पीठ में सत्य सनातन सेवार्थ संस्थान के तत्वावधान में संस्थापक अध्यक्ष भागवत प्रभाकर श्री वैष्णवाचार्य मारुति नंदन वागीश जी महाराज के सानिध्य में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक विप्र संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान मनीषियों ने मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर भगवान सूर्य नारायण का पूजन अर्चन वेदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। संस्थान की ओर से ब्राह्मणों को खिचड़ी दान बाटी का प्रसाद दक्षिणा भेंट के साथ पूजन किया गया। इस मौके पर नगर निगम के उपसभापति समाज सेवी राधा कृष्ण पाठक, पंडित योगेश द्विवेदी, श्री राज नारायण द्विवेदी, काशनी नागेंद्र कृष्ण, भगवताचार्य श्याम सुंदर पारसर, अशोक शास्त्री, ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष आनंद बल्लभ गोस्वामी, पूर्व पालिका अध्यक्ष मुकेश गौतम, पंडित रामविलास चतुर्वेदी, पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ, प्रदीप बैनर्जी, आचार्य देवांशु, आचार्य बद्रीश बिहारी लाल शास्त्री, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री, श्री रमेश चंद्र विधि शास्त्री, डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर बबेले, पुराणाचार्य अच्युत पारासर, आचार्य विष्णुकांत शास्त्री आदि उपस्थित रहे। साथ ही विद्वानों ने मकर संक्रांति पर्व की महानता की चर्चा की। युवराज श्री धराचार्य ने सभी ब्राह्मणों का पूजन अर्चन कर भेंट आदि प्रस्तुत की। इस मौके पर राकेश कुमार शर्मा जी ने सुंदर भजन गाकर वातावरण को कृष्णमय कर दिया। भगवान को जब हम भूलते हैं, उनसे विमुख होते हैं, वही हमारा दक्षिणायन है। और जब भगवान को स्मरण करते हैं, उनके उन चरणारविंद का अनुगमन करते हैं, तो वही है उत्तरायण। तो यही एक क्रांति कि अब जो हो गया लेट इट गो, उसको जाने दो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, अब पुनः उत्तरायण के सम्मुख हो जाएं। यही संक्रांति है, यही हमारे जीवन में परिवर्तन है। मैं बस इसी एक संकेत के साथ आप सभी समागत समुपस्थित यहाँ विद्वजनों को, आचार्य वैष्णव आचार्यों को, हमारे डॉक्टर श्री राधाकांताचार्य जी महाराज, मैं तो चाहता था कि आप भी अपना मंगला शासन दें, लेकिन चूंकि समय का अतिक्रमण हो रहा है और शतम बेहद भोक्तव्यम, जैसा कि अभी अभी हम सुन चुके हैं, सभी विद्वानों को यहाँ पर मैं पुनः नमन करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि भागवत पीठ आपका स्थान है, जैसे आप यहाँ निरंतर अनवरत आते रहे हैं, आपका दर्शन यहाँ होता रहा है, निरंतर होता रहेगा और इस भागवत